हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। नमस्ते दोस्तों, आज ईशा के स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो चलिए दिखाते हैं आपको इसको क्या प्राइज मिला है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, स्कूल पहुंचते ही स्कूल के मैम ने सभी पेरेंट्स को तिलक लगाकर स्वागत किया। अनीशा अंबानीपुरी एंड ईशा साहा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कांग्रेचुलेशन सर। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट ईशा साहा, तस्लीमा फातिमा। एज अ क्लास टीचर ऑफ एलकेजी बी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुशीला मैम, सुशीला दास मैम। तस्लीमा फातिमा, अन्वी की सलमानी, दुर्गेश निशा, जीनत फातिमा, ईशा को 2022-2023 सेशन में एलकेजी क्लास में थी तो वो फर्स्ट रैंक उसने हासिल किया, तो उसको प्राइज अब जाके मिला है। काफी दिनों के बाद ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुआ है तो अब जाके ईशा को ये प्राइज मिला है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें गर्मा गर्म चाय सर्व किया गया है और हमने चाय पिया। चाय पीकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी के लिए नाश्ता का व्यवस्था किया गया था, तो धन्यवाद लोटस पब्लिक स्कूल का जो आपने इतना अच्छा व्यवस्था किया। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम घर आ चुके हैं और ईशा को मिला है फर्स्ट प्राइज। ये 2022-2023 सेशन का जो पेपर हुआ था, फाइनल एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था तो फर्स्ट पोजीशन पे ईशा आई थी। तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अभी हो रहा है, अब जाके हो रहा है।
तो ईशा को मिला है फर्स्ट प्राइज। तो कैसा लग रहा है ईशा आपको? अच्छा अच्छा लग रहा है। और ये मिला है पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स हैं सबको ये मिला है उनके योगदान के लिए, और जो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं घर पे इसलिए मिला है। इसमें क्या है देखिए, ये है नारियल, सभी पेरेंट्स को मिला है नारियल। और क्या मिला है हमको दिखाओ, ये ग्रुप फोटो है, इसमें क्लास के बच्चों का और क्लास टीचर का ग्रुप फोटो है इसमें। और तो ईशा तो अच्छे से पढ़ना है, ईशा इस साल भी पढ़ना है ठीक है। एलकेजी में पढ़ रही थी तो फर्स्ट आई है, तो अभी इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अभी हुआ है, साथ में पेरेंट्स टीचर की मीटिंग भी था तो उसको भी हमने अटेंड किया है। तो दोस्तों अभी गैस खत्म हो चुका है और गैस भरवाने जा रहा हूं मैं, और अभी का दोपहर का खाना बड़ी मुश्किल से गैस पे पका है क्योंकि कभी कभी बारिश हो जाता है तो गैस अच्छे ढंग से काम आता है खाना बनाने में, क्योंकि बारिश होता है तो इधर उधर से छींटे पड़ते हैं ना, जहाँ पर हमारा चूल्हा है वहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाता है बारिश होता है। तो अभी गैस भरवाने में जा रहा हूँ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ गैस का क्या रेट है। तो दोस्तों अभी गैस तो नहीं मिला, अभी गैस खत्म हो गया है, और वैसे कॉल करके हम लोग आए थे लेकिन फोन लगा नहीं, स्विच ऑफ था क्योंकि आज सुबह 9 बजे से ही पावर कट है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं अभी भी पावर कट है, अभी तक नहीं आया। और कल सोमवार है और सोमवार को यहाँ का जो गैस एजेंसी है वो बंद रहता है, तो अब मंगलवार को मिलेगा, मंगलवार को मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं क्योंकि यहाँ पर गैस का बहुत शॉर्टेज हो जाता है। तो देखते हैं मैनेज करेंगे, अभी चूल्हे वगैरह से बनाएंगे। तो दोस्तों गैस तो नहीं मिला, तो वापस आ गए हम लोग घर, और यहाँ पर जो मक्के हैं थोड़े से बचे हैं मक्के, उनको आज तोड़कर खाएंगे। ये देखिए यहाँ का नजारा, देखिए यहाँ पर कितना सारा मक्का लगा हुआ था लेकिन अब थोड़ा सा बच गया, बिल्कुल खत्म ही हो गया। देखिए वो किनारे किनारे पेड़ हैं बस, उसमें मक्के नहीं लगे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मक्के आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा क्योंकि कुछ तो हमने खा लिए और बहुत ज्यादा बंदरों ने खा लिया। बंदर यहाँ के इतने शैतान बंदर हैं, घर में घुस के आ जाते हैं यहाँ पर खाने के लिए और खत्म कर देते हैं सबको खा खा के, ऐसा हाल है हमारा यहाँ गांव में। बंदरों के आतंक की वजह से कुछ भी यहाँ पर फल सब्जियां जो भी बाड़ी में होता है वो बचता नहीं है, सबको चट कर जाते हैं वो। तो देखिए अब थोड़ा सा जो मक्का बचा हुआ है उसको तोड़ लिए हैं, इसमें थोड़े से बीज निकलेंगे, बहुत ज्यादा बीज नहीं है उनमें, और बाकी जो इसका पौधा है उसको काट कर सुनिया जी गायों को खिलाएंगी, इससे चारा बहुत ही अच्छा बनता है, इससे बहुत ही पौष्टिक चारा बनता है जानवरों के लिए। तो ये देखिए थोड़े से बचे हैं मक्के, इनको आज तोड़ो जल्दी से तोड़ो। तो पूजा भी यहाँ पर मक्का तोड़ने लगी है, इसमें बीज ही नहीं है, बहुत कम बीज बच गया है, साफ कर देंगे आज खा के इसको खत्म करेंगे। ये देखिए जो बीज है उसको हम खाएंगे और चारे को गायों को खिलाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।